अलजी, शॉर्ट टर्म में भी एक टाटा एंटरप्राइज की कंपनी है, लगभग 100 साल पुरानी कंपनी है, काफी ट्रेडेबल है। स्टॉक का नाम है टिनप्लेट, एंड जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है काफी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर पिछला साल रहा है लगभग अराउंड 160 के आसपास, इसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से एक ब्रेकआउट दिया था जहां पर इसकी ट्रेंड रिवर्सल एस्टेब्लिश हो चुकी थी। उस पैटर्न के टारगेट्स थे अराउंड 220 के आसपास, वो हाल फिलहाल में ही अचीव हुए थे, एंड पिछले 4 हफ्तों से यहाँ पर एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन नजर आया है। तो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, वापस यहाँ पर एक बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन है जो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है ऑन द हायर साइड, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 200 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो वहीं पर लगाना चाहिए आपको स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस आपको वीकली क्लोजिंग बेसिस पे लगाना है। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, इसके टारगेट्स लगभग अराउंड 260-270 के आसपास के आ रहे हैं, तो लगभग 20% की अपसाइड हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। खरीदारी करनी है टिनप्लेट लिमिटेड में, स्टॉप लॉस लगाना है 200 के आसपास, एंड एक प्रोबेबल पैटर्न टारगेट होगा अराउंड 266 का। ओके, 266 के टारगेट के लिए, 260-270 के टारगेट के लिए टिन प्लेट में करें खरीदारी 1 से 3 महीने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय सचिन जी की तरफ से। आइए।